आरएसपी के नेता और लाली गल्ला एसोसिएशन के प्रमुख अरविंद सिंधा आज ओएसडी डॉक्टर विनोद राव को आवेदन देने पहुंचे, जिसमें निजी अस्पताल में मां अमृतम और आयुष्मान कार्ड की सुविधा नहीं दिए जाने पर विरोध जताया गया। कोरोना महामारी के बीच गरीब जनता को अच्छे अस्पताल में इलाज मिल सके, इस हेतु से गरीबों के लिए केंद्र सरकार ने ये योजना शुरू की है, पर निजी अस्पताल में इन कार्ड को कोरोना इलाज में स्वीकृति नहीं दी जा रही। साथ ही में कैशलेस की भी सुविधाएं नहीं दी जा रही है, तब हर निजी अस्पताल में 30% बेड को मां अमृतम और आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए आवंटित किया जाए, ऐसी मांग अरविंद सिंधा की ओर से की गई थी। आ मुद्दो एवो छे के अत्यारे कोरोना संक्रमण में छेल्ला 3 महीना थी प्राइवेट हॉस्पिटलों मां अमृतम कार्ड के आयुष्मान कार्ड जे गरीब अने मध्यम वर्ग ने आपवामां आव्युं छे सरकार तरफ थी, आजे 5-5 लाखना आयुष्मान कार्ड अने मां कार्ड ए पण नथी चलावता, तेथी आजे एक रजूआत करवामां आवी छे के आजे गरीब ने मध्यम वर्ग ने हॉस्पिटल में जाए तो 1 लाख रुपया डिपोजिट मुकावे छे, अरे वीमो पण प्राइवेट कंपनीनो वीमो होय छे तेम छतां पण कैशलेस नथी करता अने एमने पण 1-2 लाख रुपया डिपोजिट मुकावे छे। तो आ एक दूर करवा माटे ने गरीबोने हितमां अमे आजे विनोद राव साहेबने सरकार वती एक आवेदन आप्युं छे आरएसपी तरफथी के आ एक प्रथामां 30% बेड कोईपण प्राइवेट हॉस्पिटलमां मां अमृतम कार्ड आयुष्मान कार्ड अने जे प्राइवेट इन्स्योरन्स कंपनीना कैशलेस वीमा એમાં સગવડ મળવી જોઈએ, જેથી કરીને લોકોને આર્થિક બોજો ઓછો પડે, કારણ કે કેટલાય લોકોએ આત્મહત્યા કરી છે અને કેટલા મરી પણ ગયા છે આ સિસ્ટમના લીધે, એ દૂર કરવા માટે આજે આવેદનપત્ર આપ્યું છે સરકારને।